अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस की मोबाइल स्नेचरों से मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने जब संदिग्धों को रुकने का इशारा किया तो शातिर भागने लगे। यह एनकाउंटर जलपुरा गांव में हुआ है और पुलिस ने लूट डकैती के 3 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, तमंचा और साथी कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने आत्मरक्षा में जब फायर किया तो मोटरसाइकिल चालक के पैर में गोली लगी। जब बाद में तफ्तीश की गई तो उसके पास से 3 चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद हुए। उसके पास से बिना मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मिली और उसका नाम रवि पुत्र राजा है। अभियुक्त की उम्र 28 साल है और उसको तुरंत ही उपचार के लिए पास वाले अस्पताल भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दीपावली के मद्देनजर फूड विभाग फुल एक्शन में आ गया है और गोरखपुर में फूड विभाग ने छापेमारी के दौरान मिलावटी मिठाई के नकली कारखाने का पर्दाफाश किया। सहायक आयुक्त की अगुवाई में रेड में 25 क्विंटल फंगस लगी मिठाई जब्त की गई और हैरानी की बात तो यह है कि रक्षाबंधन के समय की एक्सपायर मिठाइयों को भी खपाया जा रहा था। फूड विभाग का दावा है कि मिलावटखोर दीपावली के मद्देनजर नकली मिठाई बाजार में खपाने की फिराक में है और शहर के चलुआताल थाना की यह पूरी घटना है। दीपावली के दृष्टिगत शासन के आदेश पे अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जो मिठाइयाँ या इस तरीके हुए जो पदार्थ हैं ये लोगों को तो सही पहुंच सकें, तो उसी के दृष्टिगत ये मिठाई की निर्माण इकाई है, इस पर छापा मारा गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जाँच की जा रही है और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज्यादा है। बुलंदशहर में मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापेमारी की गई है। मौके से 735 किलो मिलावटी पनीर और साथ ही केमिकल से बना 4000 लीटर दूध नष्ट कराया गया। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी देखी गई। पनीर बनाने के प्लांट पर केमिकल युक्त दूध बनाने के लिए मौके से इंडस्ट्रियल केमिकल भी बरामद किया गया। वहीं सोया को मिलाकर भी पनीर बनाया जा रहा था और उसको भी नष्ट किया गया। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था, यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं रिफाइंड ऑयल के, काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है, तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए और जैसी रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। गोरखपुर और बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई हुई है। गोरखपुर में जहां पर टीम ने फंगस लगी मिठाई जब्त की तो वहीं पर बुलंदशहर में मिलावटी पनीर पकड़ा गया। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। अमेठी में अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए। मौके से पुलिस ने 2 जेसीबी मशीन और साथ ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। मामला मुसाफिरखाना कोतवाली इलाके का है। पुलिस ने सभी गाड़ियों को सीज करते हुए मामले की सूचना खनन विभाग को दी है। आगरा के कई ज्वेलर्स के यहां पर CGST के इंटेलिजेंस की छापेमारी से हड़कंप मच गया है और कई ज्वेलर्स के ठिकानों पर सेंट्रल GST की इंटेलिजेंस की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की। दरअसल टीम को बड़े टैक्स चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद में सेंट्रल GST की खुफिया महानिदेशालय दिल्ली, आगरा और साथ ही जयपुर की टीमों ने छापेमारी की। लगभग 55 से ज्यादा अधिकारियों ने छापेमारी की। आगरा में सेंट्रल GST की इंटेलिजेंस टीम ने प्रमुख ज्वेलर्स के यहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई से ज्वेलर्स में हड़कंप जरूर मच गया है। लगभग 15 ठिकानों पर 50 से 55 अधिकारी सेंट्रल GST इंटेलिजेंस के इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इस रेड के बाद से जो सर्राफा बाजार में जो ज्वेलर्स हैं उनमें हड़कंप जरूर पैदा कर दिया है। कामेश्वरी की जगह
अमरोहा में स्कूल बस पर 3 बाइक सवार बदमाशों के पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई है। इस दौरान बस ड्राइवर ने गाड़ी को भगाकर जान बचाई और साथ ही बदमाशों ने बस का पीछा करीब 1 किलोमीटर तक किया। गनीमत ये रही कि बस में सवार बच्चे बाल बाल बच गए और साथ ही इस फायरिंग से छात्र दहशत में आ गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने ड्राइवर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। गजरूला थाना क्षेत्र की ये घटना है। गजरौला थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस के ड्राइवर ने सूचना दी कि स्कूल जाते समय 2-3 व्यक्तियों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर को निशाना बनाते हुए उसकी खिड़की के नीचे की तरफ फायर किया। सूचना पर मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। ड्राइवर के द्वारा अवगत कराया गया कि आज से 4 दिन पूर्व एक स्कूटी की बस से टक्कर लगने को लेकर संबंधित व्यक्ति से ड्राइवर का विवाद हुआ था। कन्नौज में अगरबत्ती बनाने के कारखाने में काम करने वाली 4 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद में कारखाना संचालक ने 4 को अस्पताल में भिजवाया, जहां हालत गंभीर होने पर सभी को कानपुर रेफर कर दिया गया और एक इलाज के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई। वहीं एक की अस्पताल से घर आकर हालत बिगड़ने पर मौत हो गई और 2 महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। जो पूछताछ में आया कि उक्त फैक्ट्री में लगभग 70 से 80 कर्मी काम करते हैं, जिनमें 4 लोगों की तबीयत शाम में बिगड़ी थी, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है, 2 अभी इलाजरत है। इसमें हमारी जो फायर सेफ्टी की टीम है उसको भेजा गया है जो फैक्ट्री है उसकी जांच के लिए। किसी प्रकार की जो भी उसमें अनियमितता है या जो भी इसकी मृत्यु का कारण है उसकी जानकारी के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृत्यु के कारण जानने के लिए इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में एक बार फिर से एडीए का बुलडोजर गरजा है और अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया गया था, जिसके बाद में एडीए के अधिकारियों ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि छत्ता वार्ड के कविता रेजिडेंसी में करीब 1000 वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी ऑफिस और साथ ही रोड बनाई जा रही थी। मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ जिला अस्पताल में डेंगू के 7 मरीज सामने आए। जिला अस्पताल में अब तक 38 मरीज आए हैं और साथ ही गाजियाबाद में कुल मरीजों की संख्या 120 पर पहुंच गई है और जिला अस्पताल के CMS का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में डेंगू वार्ड अलग से बनाया है, जिसमें 20 बेड रिजर्व किए गए हैं। देखिए, मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूंगा तो हॉस्पिटल में इस समय हमारे 7 पेशेंट एडमिटेड हैं। अभी तक हमारे इस हॉस्पिटल में 38 पेशेंट एडमिट हुए हैं, जिसमें अभी वो बाकी लोग डिस्चार्ज होकर ठीक होकर जा चुके हैं। कोई ऐसा सीरियस नहीं हुआ जिसको रेफ़र करना पड़ा हो और सभी ठीक होकर के गए हैं। आजमगढ़ जिले के दिव्यांग बेटी जिया राय ने पैरा तैराकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और गोवा में चल रहे 14वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और जिया ने महाराष्ट्र की टीम के लिए 200 मीटर फ्री स्टाइल और 100 मीटर बटरफ्लाई और साथ ही 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल स्पर्धा में भाग लिया था और जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल स्पर्धा में नेशनल भी बनाया। मोदी साहब ने 19 से 22 अक्टूबर 2024 को गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में टीम महाराष्ट्र की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और जिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। जिया ने 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर इंडिविजुअल मिडले इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और 200 इंडिविजुअल मिडले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है।